भाई इन लोगों के जाने का टाइम आ चुका है, इन तीन लौंडों का। अबे जाओ जाओ ना, चलो ऐस किया। बाय बाय भाई, बाय 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 भाई जी, बाय 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 बाय। कितनी बाय करोगे? तुसी जा रहे हो, तुसी भाड़ में जाओ। अबे साले जी, देखो रास्ते में कोई भी दिक्कत आए मैं अपना देख लूंगा। तो भाई सुबह हम उठे हैं और होटल हमारा ऐसा दिख रहा है अभी, जो रिजॉर्ट है पूरे में बर्फ ही बर्फ। तो आज है हमारा डे फोर श्रीनगर में, और आज उस प्रॉपर्टी को लीव करके हम लोग जा रहे हैं पहलगाम की तरफ। और बहुत दिनों बाद आज मैं नहाया हूँ, मतलब इस ट्रिप पे पहली बार ही आया हूँ, छठा दिन है ट्रिप का, लेकिन मैं आज पहले दिन ही आया हूँ। तो पहलगाम जाने के लिए जो हम टैक्सी पकड़ने आए हैं वो दल लेक के पास एक टैक्सी स्टैंड है, वहाँ से पकड़ेंगे। तो ये है प्रीपेड टैक्सी की रेट लिस्ट, स्क्रीन शॉट ले लेना आप लोग। पहलगाम के लिए हम लोग निकल चुके हैं, अब तीन लोग ये बचे हैं ट्रिप पे, और टाइम लग जाएगा अराउंड 3 से 4 घंटे। 3 घंटे भैया? 2 घंटे। भैया कह रहे हैं 2 घंटे। तो टाइम हो रहा है अभी कितना, 1:15। तो 3:15 हम देखते हैं पहुंच जाएंगे हमारे होटल। वैसे पहलगाम कितना दूर है? होटल का नाम क्या है? होटल पैलेसीन। पैलेस तीन पैलेसीन पहलगाम में जी 90 किलोमीटर है यहाँ से, दिखा रहा है। तो भाई भैया ने बताया कि केसर सबसे ओरिजिनल यही मिलती है, तो हम लोग यही लेने आए हुए हैं। तो ये है वो दुकान, ये भैया ने कावा ऑफर किया है हमें। चीयर्स सब जी, चीयर्स। ये जो कहावा है ना आपने जो पिया, जी भैया बोलते हैं, जैसे आप इसको कहावा क्यों बोलते हैं, आपको हर जगह मिलेगा 50 रुपीज 100 रुपीज का, लेकिन कोई नहीं बताएगा कहावा क्यों बोलते हैं। जैसे आप हिंदी में 10-11 बोलते हो ना गिनती में, वैसे जो हमारी कश्मीरी जुबान है सर, हम 10 को दाह कहते हैं और 11 को का। ये 11 मसालों का मिश्रण होता है, हो गया का। और वह हम बोलते हैं किसी भी चीज को अच्छा देखते हुए ब्यूटीफुल या स्वीट, हम बोलते हैं वाह। तो इसका नाम का है। कोई पार्टी होती है, मैरिज सेरेमनी होती है, जो हमारे मेहमान होते हैं उनकी वेलकम टी होती है। अच्छा। और फिर आता है ये केसर, आता है यहाँ का। दुनिया के किसी भी कोने जाए केसर हर जगह मिलता है, उगता 3 जगह, एक स्पेन में, एक ईरान में, और हमारे इंडिया में खाली यहाँ पे हमारे गांव में होता है। 8 किलोमीटर रेडियस में केसर होता है, इसको बोलते हैं लैथपुरा पापोर, पापोर टाउन, और बोलते हैं सैफरन टाउन। और क्या फर्क होती है, जो आपको बाहर केसर मिलता है उसको आपको फ्रिज में रखने की जरूरत पड़ती है सर। ये जो है ना, ये हैंड पिकड है, हैंड प्रोसेस, हाथ से उठाया जाता है, हाथ से निकाला जाता है, हाथ से प्रोसेस किया जाता है, इसको बोलते हैं कश्मीरी मोंगरा केसर। इसको आप पहले फ्रिज में नहीं रख सकते हो, दूसरा इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में ओपनली नहीं रख सकते। अच्छा। तो है दूसरी बात, और ना इसमें गीला हाथ, पानी वाला हाथ नहीं डालना, डॉट एक बैट हैंड्स ऑन दैट। इट हैव अ वारंटी ऑफ 30 इयर्स 40 इयर्स, यू कैन टेक ऑन योर लॉक ड्रॉवर्स, ड्रॉवर्स आल्सो डायरेक्ट इन योर किचन ऑन द डेस्क साइड, आप साये में रख सकते हो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। ये आता है केसर यहाँ का, और उसका पैकिंग आता है 250 रुपीज पर ग्राम आता है, 2500 5000, और ये 10,000, जिसको आप 10 से 20 साल 30 साल 40 साल रख सकते हो। खाली इसमें क्या हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा। जैसे आप आज 10 ग्राम होगे ना, 6 महीने के बाद देखोगे उसमें 10 ग्राम नहीं होंगे, वो होंगे 9.95 9.90, उसमें 10 से 15 डेसिमल कम हो जाते हैं। यही होते हैं केसर की पहचान। और केसर जो आप स्पेन और ईरान वाला केसर यहाँ पर यूज करते हो ना, 10 ग्राम, वहाँ पे 1 ग्राम काफी है कश्मीरी केसर, क्योंकि इसकी क्रोसिंग लेवल जो होती है ना 98.8% होती है, उसका होता है 17.8%। ये हो गया केसर। देखो केसर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मतलब अनगिनत बेनिफिट्स हैं, लेकिन मेन 3 बेनिफिट है। ये अरोमा के लिए होता है, दूसरा ये मेडिसिनल यूज होता है, तीसरा ये सबसे बेस्ट होता है न्यूबॉर्न बेबी और प्रेग्नेंट लेडी के लिए। जैसे हमारी माँ होगी, बहन होगी, बीवी होगी या बेटी होगी, जब वो 9 महीने प्रेगनेंसी के दौरान खाएगी ना, उसका बच्चा 100% हेल्दी होता है। पुराने लोग बोलते हैं कि केसर से बच्चा लाल होता है या गोरा होता है, होता है? वो डायरेक्ट लोग उनकी बातें समझते थे, लेकिन केसर से बच्चा कैसे लाल होता है, जैसे हमारी माँ होगी, बहन होगी, बीवी होगी, बेटी होगी, जब वो 9 महीने प्रेगनेंसी के दौरान खाएगी ना, उसका बच्चा 100% हेल्दी होता है और वो खुद हेल्दी रहती है, और 70% चांसेस है कि उसका नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। इसको हल्का सा रब करना है, हल्का सा, ये आप हाथों पे भी लगा सकते हैं या चेहरे पे भी लगा सकते हैं। दिखाइए अपने हाथ, अबे तेरी है। पूरा केसर का खुशबू आता है। तो भाई केसर वगैरह ले ली है, सब कुछ अच्छा है,
और अब चलते हैं, अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। पहलगाम और ये है अपना होटल। तो भाई होटल के बाहर ही पूरी बर्फ जमी पड़ी अभी तो, और बस चेक इन करते हैं यहाँ से और फिर निकलते हैं घूमने के लिए। ये है अपना रूम। तो भाई ये है हमारा पहलगाम में रूम जो है। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है यहाँ पर, मार्केट का व्यू है पूरा पूरा, और वॉशरूम है, रूम है, बैठने की जगह है। तो सुबह सुबह उठो और ये नज़ारे आपको मिल जाए तो फिर कश्मीर आना वर्थेड हो ही जाता है। तो यहाँ पर आराम करेंगे और फिर निकलेंगे अपने पहलगाम के टूर के लिए। तो भाई अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 3:30 से 4:15 बज रहे हैं अभी, और अभी हमने ये सोचा है कि अभी हम आज तो कहीं नहीं घूमेंगे, आज बस लोकल में पता करेंगे और फिर कल सुबह सुबह घूमने निकलेंगे पहलगाम के लिए, मतलब जो मेन स्पॉट्स हैं यहाँ पर। पहलगाम तो हम है ऑलरेडी। भाई क्लब पार्क पहलगाम पे, काफ़ी खूबसूरत है नज़ारे, आप लोग देख लो भाई साहब। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ये ठंड बहुत लग रही है यार, मतलब बोला भी नहीं जा रहा, वर्ड्स संभल कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो भी है सही है। टाइम हो रहा है 4:30 और अभी हम पार्क में आए थे, मतलब 20-25 मिनट हुए थे और भैया ने कह दिया कि इसका गेट बंद करना है, तो हम निकल रहे हैं इस पार्क से और देखेंगे थोड़ा कुछ खाएंगे पियेंगे फिर होटल में चलेंगे। आज का दिन तो ऐसा ही है और कल सुबह निकलेंगे वैलीज के लिए। तमता बड़े है अभी ड्राइवर भाई। तो यहाँ पहलगाम में लाइव शो चल रहा है, संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला। तो ये पहलगाम की रोड है जहाँ पर आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, खाने पीने का सामान मिल जाएगा, आपको कुछ शॉपिंग करनी है कपड़े वगैरह, और बहुत अच्छे अच्छे कैफ़ेज भी हैं आगे जाकर। तो ये रोड मुझे श्रीनगर से अच्छी लगी क्योंकि श्रीनगर में ऐसा कुछ नहीं दिखा हमें, और यहाँ पर अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं जैसे पंजाबी रसोई अपना हो गया, दाना पानी, आगे सागर अपना भी है, और बहुत अच्छे अच्छे कैफ़ेज हैं आगे जाकर। तो ये रोड मुझे बहुत अच्छी लगी और इस रोड के साथ साथ ये नज़ारे तो आपको मिल ही रहे हैं। तो भाई यहाँ अपनी मैगी और ऑमलेट बन रहे हैं और बिल्कुल सामने ही अपना ये होटल है जो लाइट वाला दिख रहा है आपको, वो होटल है अपना। तो मैगी अपनी गर्म गर्म आ चुकी है, ऑमलेट रेडी हो रहा है। तो पहलगाम में हमने खाना वगैरह खा लिया था, अब हम बस सोने ही जा रहे हैं, और कंबल काफ़ी भारी है, ये खिसक भी नहीं रहा है मतलब, और बेड भी फुल इलेक्ट्रिकल है, ठंड बहुत हो रही है, तो बस अब सोएंगे। वीडियो को आपको पता ही है क्या करना है, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है, बाकी हम कल सुबह निकलेंगे पहलगाम एक्सप्लोर करने के लिए, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा।